Hello, and you're watching Claptrap. We're back again. And choosing the right kind of a sofa is always a difficult task. So you start deciding on the design part and then you choose the fabric part. But sometimes fabric becomes more important because it can light up the dullest possible structure of a sofa. So today we will talk about fabrics. Let's begin the video. You actually answer all my questions. Hanji. You are an architect and an interior designer. Everybody knows. Yes. Cinematically, video बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन मेरे ख्याल से नॉलेज से भरपूर होगा बिल्कुल राइट आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप देखते हैं आपके पास भी और बाकी स्टोर्स में भी हम देखते हैं हाउ टू चूज फैब्रिक लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं फैब्रिक को लेके स्पेशली ऑफकोर्स कर्टन्स है बेड कवर्स हैं बेडशीट्स हैं साइड टेबल्स हैं इनफैक्ट कुशन कवर्स रनर सबको फैब्रिक को लेके बिल्कुल लेकिन हमारा फोकस सोफा को लेके होता है बिल्कुल तो कौन कौन से फैब्रिक हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं और कैसे चूज करना है ये हमारा टॉपिक है सो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आता है पहला आपका आता है लेदराइट ओके लेदराइट आपका दो टाइप के होते हैं एक आपका जिसको बोलते हैं रेगजीन अच्छा एक को बोलते हैं लेदराइट जिसको बोलते हैं हाफ लेदर ठीक तो लेदराइट थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन है रेगजीन का ही रेगजीन थोड़ा सा चीप वर्जन है जी लेदराइट का ही और इसमें हमारा मैट आता है जैसे ये मैट है और ये सिंगल टोन है इसी में आपका टेक्सचर आता है अगर मैं नीचे देखूं इसमें है फॉर एग्जांपल ये रहा इसमें आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिखेगा ठीक है तो इसमें टेक्सचर और प्लेन आता है मैट और ग्लॉस आता है ये हो गया लेदराइट उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्वेड वेलवेट जो रिसेंटली हम बहुत यूज करते हैं जो आजकल बहुत इन है हाँ जी ये सारा आपका आ जाता है स्वेड वेलवेट इसे में फिर आपका आता है स्वेड अच्छा जिसमें वेलवेट स्टोन नहीं होता स्वेड होता है सिंगल टोन में होता है हाँ जी उसके बाद फिर आपका आता है ये वाला फैब्रिक जिसको हम पॉलिस्टर बोलते हैं जिसमें लिनन और कॉटन मिक्स होता है ठीक है इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं इसमें आप डबल थोड़ा सा टेक्सचर भी देख सकते हो इसको हम इंडियन फैब्रिक भी बोल सकते हैं अच्छा इसमें कॉटन प्लस ये कॉटन लिनन मिक्स होता है ये पॉलिस्टर है ठीक है अब ये तो फैब्रिक के टाइप हो गए इसके अलावा कुछ और फैब्रिक है वो है जैसे जकार्ड है जो जकार्ड है तो बहुत हार्श होता है थोड़ा सा हाँ बहुत right? मोटा होता है इसके अलावा और कौन सा फैब्रिक है प्योर लेदर है इसके अलावा हाँ प्योर लेदर है देन 100% कॉटन है अच्छा फॉर एग्जांपल ये रहा ओके ये फुल कॉटन है 100% ये 100% कॉटन है अच्छा इसमें ये प्लेन भी आते हैं प्रिंटेड भी आते हैं प्लेन भी आते हैं प्रिंटेड भी आते हैं ठीक है ये हमने बता दिए कुछ हमारे बेसिक्स कि कौन कौन से होते हैं अब हम डिटरमाइन कैसे करते हैं मतलब अब क्या पैरामीटर्स हैं जिनको सोच के हमें डिटरमाइन करना होता है कि हम कौन सा फैब्रिक चूज करने वाले हैं सी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो एक आपका पर्सनल चॉइस होता है दूसरा आपका घर का कलर थीम होता है कि कलर थीम क्या है घर का प्लस फिर आपका फॉर्मल है या लिविंग रूम है फॉर्मल में फिर आप थोड़ा सा स्वेड यूज करते हो थोड़ा सा ग्लॉस है और अपने जो अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो उसमें आप कॉटन यूज कर सकते हो पॉलिस्टर यूज कर सकते हो अच्छा हाँ जी एंड देन फिर आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास प्रिंटेड प्रिंट्स में है ओके ये पूरा मूड बोर्ड है ये प्रिंट्स हो गए सो ये आप प्रिंट्स चेयर पे यूज कर सकते हो या फिर आप सोफा के बैक में यूज कर सकते हो सीट प्लेन ले सकते हो मेरे को ना समथिंग थिंग्स आर नॉट येट मेड क्लियर टू मी हाँ सो व्हाट आर द पैरामीटर्स देन सपोज आई हैव टू डिजाइन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर पार्ट कलर विल डेफिनेटली कम लेटर मेरे को एक सोफा बनवाना है कलर आई हैव हाइपोथेटिकली आई हैव ब्लू कलर सोफा इन माय माइंड राइट सो व्हाट इज द पैरामीटर मेरे को जो कंसिडर करना चाहिए कि मैं कौन सा लूँ मैं कॉटन में लूँ कि लेदराइट में ले लूँ कि स्वेड में ले लूँ कि जूट में ले लूँ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोफा फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेट हाँ चेस्टर सोफा बनवा रहे हो जी तो चेस्टर में आप जितना पतला कपड़ा और जितना स्ट्रेचेबल कपड़ा लोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी और उतनी अच्छी टफ्टिंग होगी ठीक है बटन उतना चेस्टर में आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल मटेरियल लगेगा और चेस्टर में साथ में क्रिएटिव भी बताते जाइए आई नो आई एम आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस चेस्टर में हम फ्लोरल वगैरह जैसे ये सब है ना अभी हमने देखा है कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया गलत है राइट लाइंस ट्राई नहीं करना है नहीं स्ट्राइप्स ट्राई नहीं करना है प्रिंट ट्राई नहीं करना है चेस्टर फील्ड में हमेशा प्लेन ट्राई करना है आइदर लेदराइट और स्वेड नहीं स्वेड हमें जो भी कपड़ा लेना है हम तो स्वेड वेलवेट करते हैं प्रेफर क्योंकि लेदराइट इतना स्ट्रेचेबल नहीं होता अच्छा वो एक पॉइंट के बाद बटन अंदर नहीं जाएगा ओके और जैसे हमारे पास ये है ये स्ट्रेचेबल है तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी कॉर्नर्स अच्छे आएंगे अच्छा क्योंकि जहां से कपड़ा मुड़ेगा वहां कॉर्नर्स अच्छे आएंगे बिकॉज़ कपड़ा पतला और स्ट्रेचेबल है मोटा होगा तो फिर वो फ्रिल्स खड़ी रहेंगी
ओके, एक पैरामीटर आपने बताया कि जब आपको आपका डिजाइन फाइनल हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्वेट सॉरी आपको चेस्ट फील्ड चाहिए, हाँ, अगर आपको स्ट्रेट लाइन है आपका तो स्ट्रेट लाइन में आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये थर्ड हो गया आपका कार्विंग के बेसिस पे, जो कार्विंग वाले होते हैं उनमें हमेशा जैकार्ड होता है। यस, जैकार्ड और मे बी आप 100% ये कॉटन वाला भी यूज कर सकते हो प्रिंटेड। ठीक है, अब जो ट्रेंड है जैकार्ड इज गेटिंग आउट ऑफ ट्रेंड बिकॉज जैकार्ड इज अ वेरी हार्श फैब्रिक, आई पर्सनली आल्सो डोंट लाइक इट बिकॉज इट डजंट फील दैट ग्रेट। यस, नाउ यू हैव इवन स्वेड आल्सो कमिंग इन विद द लॉट ऑफ प्रिंट्स, राइट, यू कैन गो फॉर प्लेन, ये सब स्वेड पे ही प्रिंट है। अच्छा, ये सारे स्वेड प्रिंट है, ठीक है, इनके बारे में हम एक अलग से बताएंगे अभी। सो स्वेट प्रिंट यू कैन गो विद कार्विंग फर्नीचर, ऑल्सो यू कैन गो फॉर स्वेट प्लेन व्हेन इट कम्स टू कार्विंग फर्नीचर। ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ योर डिजाइन। सेकंड इज लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर सोफाज, पीपल एक्सपेक्ट उनका जो फ्लोरल और प्लेन का कॉम्बिनेशन हो, डुअल एक्सेंट में सोफाज एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके घर बड़े सिंपल होते हैं, बिल्कुल, वो चाहते हैं कि उनके जो कुशंस हैं वो उन पर अलग पैटर्न हो, सीटिंग अरेंजमेंट एंड आर्म्स पे अलग पैटर्न हो जी, प्रेफरेबली 3 इज नॉट एडवाइजेबल, 2 इज एडवाइजेबल, ओनली प्ले विद 2 कलर्स, ओके, आइदर 3+2 सोफा फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हो तो वो सेम कलर में ले लो, चेयर सेम यूनिट पे, फॉर एग्जांपल अगर हम टिल्ट करके दिखा दें, लोग कुछ प्ले करना चाहते हैं, कुशन पे दूसरा फैब्रिक, यहाँ पे दूसरा फैब्रिक, इसके क्या पैरामीटर है? फॉर एग्जाम्पल जो मॉडर्न सोफाज होते हैं उसमें ये सूट नहीं करता है। अच्छा, मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे और इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो आपको डुअल टोन में बहुत कम सोफाज मिलेंगे, बट जो कार्विंग वाले सोफाज हैं या फिर जो थोड़ा इंडोनेशियन स्टाइल है वहाँ पे यू कैन प्ले विद टू कलर्स, फॉर एग्जाम्पल बैक में आप प्रिंट ले लो और सीट पे आप प्लेन ले लो, okay. उसमें वो सूट करता है बट मॉडर्न सोफाज में नहीं करता, ये थोड़ा डेटेड है। हाँ, मॉडर्न में आई विल सजेस्ट कि आप गो फॉर अ प्लेन कलर एंड देन यू कैन प्ले विद द कुशंस। ठीक है, परफेक्टली सूटेबल। नाउ अब जो आपके पास नया कैटलॉग आ गया, हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो आपने अभी हमारे साथ शेयर की। यस यस यस। अब हमारे पास कुछ नए 2 कैटलॉग्स आ गए, क्विकली हमारे व्यूअर्स को दिखा दें वो। हाँ बिल्कुल। ये आप मुझे पहले दिखा दीजिए, इसके बाद में हम नीचे वाला देखेंगे। ये क्या फैब्रिक है? ये स्वेट सिंगल टोन है जी, उस पे ये सारा प्रिंटिंग है। आप मुझे यूज भी बताते जाइए, ये एक तरह से देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा मूड बोर्ड है। हाँ जी। ये किस लिए है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला? ये आप चेयर्स पे यूज कर सकते हो। और ये कलर्स बाकी? ये आप पूरा सोफा पे प्लेन यूज कर सकते हो, एल्स यू कैन यूज दीज प्लेन कलर्स एंड यू कैन मेक द कुशंस आउट ऑफ इट, कुशंस भी इसके अच्छे लगेंगे, और अगर आप पूरी चेयर पे लगाना चाहते हो तो आप पूरी चेयर पे भी ये इसमें पूरा चेयर बना सकते हो। ठीक है, डन। इसके बाद नीचे शेवरन लाइंस है, शेवरन पैटर्न्स का क्या करते हैं इसमें, इनको कैसे यूज करना है? इसमें मुझे लगता है कि ये बैक में अच्छा लगेगा किसी भी कार्विंग सोफा में, अगर उसको थोड़ा सा फ्यूजन बनाना आपको मॉडर्न प्लस कार्विंग मिक्स तो उसमें अच्छा लगेगा, प्लस कुशंस तो है ही, एंड देन यू कैन यूज इट एज ऑन योर जो विदाउट चेस्ट ऑटोमन्स होते हैं, प्लेन ऑटोमन्स, उस पर अच्छा लगेगा ये। ठीक है, डन। और देख लें क्विकली क्या क्या है हमारे पास, एक स्ट्राइप वाला है, मुझे लगता है इसके सिंगल चेयर्स बहुत सिंगल चेयर कॉर्नर में अच्छी लगेगी, वी आर ऑलरेडी मेकिंग वन। ऑलराइट, ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ना ये 3-seater बनवाए इसका। हाँ जी। और 2 single-seater आप इसके बनवाए, इनमें से कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए, ये पूरा मूड बोर्ड है उसका, आप 3 चेयर्स बना लीजिए 3-seater, इसके आप single-seater बनवा लीजिए, बिल्कुल, दैट मे ऑल्सो लुक गुड। हां जी, ओके, दिस इज माय फेवरेट, हमें हमेशा से बात करते हैं। इसमें काफी चेयर्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। हाँ, इसका फुल सोफा अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, इसमें इसको हमने मेजरली ऐसे यूज किया है कि हमने फ्रंट जो चेयर का फ्रंट है उसमें ये व्हाइट आप यूज कर सकते हो या फिर इसमें से कोई कलर यूज कर सकते हो, और पूरा बैक जो है चेयर का वो इसमें आ जाएगा। ओके, ठीक है, डन। ऑलराइट, वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, सेम कांसेप्ट, पर्सनल चॉइस ऑफ कलर। ओके, दिस इज इन द येलो, ये येलो में है। अगेन मूड बोर्ड ग्रे के साथ हमने ग्रे टोन्स यूज किए हैं। एंड यू वर टॉकिंग टू मी अबाउट दिस कि आप इसका बेड भी बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसका हेडबोर्ड बनाया। हाँ जी। तो यू कैन चूज आइदर द प्लेन एनी ऑफ दीज कलर्स फॉर द साइड पार्ट ऑफ इट, थ्री साइड्स, यस, राइट, यस, दिस इज योर हेडबोर्ड, दिस इज योर फुटबोर्ड। हाँ जी, राइट, इसमें इसमें भी बेड अच्छा लगेगा बैक में। हाँ, राइट, इसके बेड अच्छे बनेंगे। ठीक है, एंड देन इसमें माय फेवरेट, हाँ, चेयर्स तो बनाएंगे। ओके, दिस इज माय फेवरेट। अभी हम मेन वीडियो में भी हम इसकी बात कर रहे थे। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बोहेमियन पैटर्न में है, बहुत अच्छे इसमें यू नो ड्रैगन फ्लाइज हैं, बड़े अच्छे पैटर्न क्रिएट करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। इस मैंने तो ये भी सोचा था कि वी कैन यूज इट ऑन द सीट्स ऑफ द चेस्टर। अच्छा, एंड देन वी कैन आल्सो मेक फुल चेस्टर में, तो ये पूरा दिस विल गो इनसाइड, नहीं सिर्फ सीट। अच्छा, प्लेन सीट। ओके ओके ओके, एंड देन पूरी चेयर या फिर कुशंस तो हम यूज कर ही रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है,
हमने इसको इमेजिन किया था कि मतलब सेम कलर्स में ही कि आप इसका बेड का हेडबोर्ड बना लें, है ना? हाँ जी, इसका हेडबोर्ड बना लें आप, और साथ में आप इसके कोई भी इनमें से कलर पकड़ के, ब्लैक है या वाइट है, उसका आप पूरा बेड बना लें चारों तरफ। हाँ। सिंगल चेयर्स भी अच्छी बनेगी इनकी? सिंगल चेयर्स भी अच्छी बनेगी। ऑलराइट, डिफरेंट कलर। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। अब यू हैव ट्राइड लॉट ऑफ फैब्रिक ऑन फर्नीचर यूनिट एज वेल, आपने काफी जगह एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ जी, और अभी नई इन्वेंटरी जो आएगी उसमें भी हम काफी एक्सपेरिमेंट फैब्रिक फर्नीचर के ऊपर। यस यस यस, ठीक है। और राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये भी कुछ शेवरन प्रिंट्स हैं, पटोला जैसे, ये ट्रेडिशनल प्रिंट है इंडिया के, है ना? हाँ जी। इसको कैसे यूज करना है? अच्छे लगेंगे इनके। हाँ जी। और प्लेन में? प्लेन में आप सोफाज ले सकते हैं, ठीक है। क्या ये फैब्रिक डुअल यूज है इनका फैब्रिक का? हम कर्टेंस भी बना सकते हैं कुछ, हमें अगर एक मतलब एक एक्सेंट चाहिए मान लीजिए मेन फैब्रिक में इसका, हाँ, तो इसका कर्टन बन जाएगा एक पीस? हाँ, एक पीस बन जाएगा। ठीक है। ओह वाओ, दिस इज वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है ये। इसको कैसे यूज करेंगे? इसको भी आप चेयर्स में यूज कर सकते हो। अच्छा, ये वाला पैटर्न या कुशंस में यूज कर सकते हैं, एंड देन फॉर द प्लेन फैब्रिक्स यू कैन यूज ऑल दीस। All right. Never try to experiment with this fabric to make a sofa. पूरा सोफा मत बनाओ। Will not look nice. Yes, it look very funny. पूरा सोफा मत बनाओ। ठीक है, we go to the next one now. Same color, different color, same pattern. You are already doing lot of experiment. Maybe with this you can have the back part and the front part you can have with the plain part. Yes, yes. इसमें for example ये अच्छा लगेगा, floral है। Okay. ये back में अच्छा लगेगा। इसमें then we have yellow tinge के साथ। Okay. On dining chairs also you can use this. Dining के back में आप use कर सकते हो। This with the combination of black or yellow or something. हाँ, आप front में कोई भी color ले लो dining का, और back में आप ये use कर लो। Okay. वो अच्छा है। Again same colors, same tones. ये सब सारे नए फैब्रिक आ गए हमारे पास, है ना? दिस इज द वन वी वर टॉकिंग अबाउट, है ना? कि आप डिस्ट्रेस फिनिश का एक डाइनिंग करते हैं वुड का। हाँ जी। वुड की आप विक्टोरियन स्टाइल की चेयर्स। यस। तो यू कैन यूज दिस ऑन योर, बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस कैन बी यूज्ड ऑन द सीटिंग। यस यस, बहुत अच्छा लगेगा। इन केस यू वांट टू गो फॉर समर ग्रीन, फॉर एग्जांपल ग्रीन का साथ ग्रीन भी आ जाएगा। राइट, यू कैन यूज एनी ऑफ देम फॉर द सीटिंग पर्पस, एंड दिस वन बैक में आएगा। हाँ, और डिस्ट्रेस फिनिश में बहुत अच्छा लगेगा जी। एंड देन अगेन ये ऑटोमन और ये आपका पुफ अच्छा लगेगा, अगर आपका थोड़ा अर्दी डिजाइन है। ऑलराइट, सो दिस इज योर न्यू कैटलॉग। हाँ जी। गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, ये हमारा प्योर कॉटन है, माय फेवरेट कॉटन, और इसका फील एक अलग ही होता है अपने आप में, वेरी वेरी एस्थेटिकली करेक्ट। यस, दिस इज 100% कॉटन। इनको कैसे यूज करना है? मुझे लगता है कि इसमें पुफ अच्छे लगेंगे, कुशंस अच्छे लगेंगे, अगर आप कुशंस बना के बहुत सारे रखते हो तो। ओके। पुफ अच्छे लगेंगे, कुशंस अच्छे लगेंगे, और इसमें हम कार्विंग सोफाज में बैक यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सीट प्लेन रख सकते हैं। और थोड़ा क्वाइकी लुक देना हो, मान लो किसी को जैसे टर्कोइज ब्लू आप बहुत सारे लोग करते हैं जो थोड़ा स्टूडियो लुक फिनिश करते हैं। यस। तो पूरा फ्रेम आप ब्लू का करा लें। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने येलो पॉलिश का करा, एंड यू कैन यूज इट विद द स्वेड, है ना? जरूरी नहीं है कि आप इसको 100% कॉटन के साथ यूज करो, आप स्वेड के साथ भी यूज कर सकते हो। अच्छा, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। हाँ। वैसे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपका जो टेक्सटाइल है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इट शुड फील एवरीवेयर द सेम। हाँ जी। ओके, दीज आर ऑल कॉटन। मतलब ये है कि अगर आपको कुछ फन फैक्टर ऐड करना है ना, तो ये अच्छे लगते हैं जी। प्लस ये फील गुड फैक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा, फील आप करोगे तो बहुत अच्छा लगता है, सुपीरियर लगता है। राइट, ये सब प्रिंट होता है कॉटन के ऊपर ना? हाँ जी। ओके, ये पूरा मूड बोर्ड है इसका। ठीक है, अगर हमें लगेगा कुछ चीज़ें जैसे आपको खास ख्याल रखना है तो वो थोड़ा बचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर द डिस्कशन पर्पज, इफ यू आर यूजिंग दिस एज ए सोफा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने इसका थ्री सीटर ले लिया। हाँ जी। इसका आप सिंगल सीटर ले सकते हैं, सिंगल पीस, पर नेवर ट्राई टू डू विद द पिंक वन, स्ट्रेट लाइन होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा। हाँ, डोंट प्ले विद शेप्स देन। ओके, सो दिस इज सिंगल स्ट्रेट, आई मीन द स्ट्रेट लाइन थ्री सीटर। हाँ जी। एंड दिस कैन बी यूज्ड अ हाइविंग चेयर, दीस टू। यस। ओके, बट नेवर ट्राई टू प्ले विद पिंक। यस, पिंक का थ्री सीटर गंदा दिखाई देगा। हाँ, और इसी के साथ देन अगर आप चेयर्स आपकी ऐसी हैं तो इसी के साथ कुशन, आप इसके कुशन सोफे पे रख सकते हो। अच्छा, डन। तो जो नहीं करना है वो भी खास ध्यान रखना बताते जाइएगा हमको। बिल्कुल। सो दैट हम लोग को काफ़ी समझ। एग्जाम्पल पूरा सोफा इसमें नहीं बनाए। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। जो छोटे आइटम्स हैं फॉर एग्जाम्पल ऑटोमन है, पुफ है, वो इसमें बना सकते हो। और बड़ी यूनिट जितनी बड़ी यूनिट्स अवॉइड करो, बिकॉज देन वो बहुत आँखों में बहुत वो लगेगा। ठीक है, डन। ये हमारा लास्ट है ना? हाँ जी। ओके, ये सारे के सारे कलर टोन, ये सब मूड बोर्ड, यू कैन प्ले विद दिस, ये सब मूड बोर्ड है। ठीक, यू कैन प्ले विद ऑल दीज कलर्स।
ऑल राइट, ये आपके घर के स्कीम के ऊपर प्राइमरीली डिपेंड करेंगे, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फिनिश में है ना? हाँ जी। ओके डन। पूरा जो पर्पज ये था आपसे बात करने का कि थोड़ा सा डिसाइड करने में हमें इजी हो जाता है कि हमें किस तरह का सोफा लेना। एक स्वेट लेदर भी आता है। अच्छा वो है उसका फैब्रिक? हाँ उसका भी। आपका स्वेट, ये इसको बोलते हैं स्वेट लेदर। अगर आप देखोगे तो इसका फील आपको लेदर जैसा आएगा। ये फील इसका लेदर राइट है। ओके ठीक है, बट है ये कपड़ा। अच्छा दिस इज फैब्रिक। ये कहाँ पे यूज होना है? ये फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई, आप जैसे सोफा कर रहे हैं और आपको लेदराइट यूज नहीं करना, आपको फैब्रिक ही यूज करना, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं इसको यूज। ठीक है, आप देखो मैं बैकिंग दिखाऊं तो आपको ये स्वेड है। पीछे फ्लीस लगी है इसमें। हाँ, कमर्शियल स्पेसेस में ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर यूरोपियन स्टाइल के जो आप घर प्लान करते हैं? प्लस इसमें इसी में एक आता है जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, उसमें चेस्टर्स भी अच्छे। ओ ये तो बहुत अच्छा चेस्टर आपने बनाया भी है इसका। हां इसमें बनाया, इसका लगभग ये तो ही आपने बनाया हुआ है, ये सेम है क्या? ऑलमोस्ट सेम है। ऑलराइट, सो इसका लुक कैसे आएगा? पर थोड़ा सा डार्कर टोन में है ये, डार्कर टोन में है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैट और लाइट है, बट इसमें चेस्टर्स भी अच्छे लगेंगे। डन, सो वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। ओके फॉर मोर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद शुभम। शुभम आप हेल्प कर दीजिएगा इन केस पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड। बट एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई कि वो फ्लोरल प्लेन का जो है वो आप क्वेश्चन के ऊपर फ्लोरल और प्लेन का कॉम्बिनेशन ट्राई ना करें, वो आउटडेटेड है वो। हाँ जी, है ना, ट्राई टू गो एज मच प्लेन एज पॉसिबल। यस, कीप योर हाउस वेरी नीट क्लीन एंड क्लासी। यस, कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। हाँ जी, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद शुभम। राइट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग।